शक्ति शिव शक्ति की भक्त और भक्ति की ये कथा मान। शिव महापुराण शिव महापुराण शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कंठ शंभु अविनाशी गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। जब पितामह प्रह्लाद को भक्त बलि स्वर्ग का सिंहासन समर्पित करना चाहता है तो संसार त्यागी प्रह्लाद उसे अस्वीकार कर देते हैं तथा बलि को उपदेश देते हैं कि वो धर्म पूर्वक शासन करे तथा धर्मात्माओं को न सताए। देवताओं का द्वेषी राहु वहां प्रवेश करता है तथा बलि को विष्णु भक्त प्रह्लाद के उपदेशों की उपेक्षा करके देवताओं से सावधान रहने का परामर्श देता है। उधर इंद्र सहित सब देवतागण कैलाश पहुंचकर भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। शिव देवताओं को धर्म यज्ञ द्वारा शक्ति आराधना करने का परामर्श देते हैं। देवद्वेषी राहु राक्षसों को देवताओं द्वारा आयोजित धर्म यज्ञ ध्वस्त करने के लिए प्रेरित करता है। इंद्र स्वर्ग लोक पहुंच जाता है तथा बलि को समाप्त करके बलहीन असुरों को स्वर्ग से निकाल देता है। भगवते विष्णवे नमः। ओम भगवते विष्णवे नमः। ओम सद्योजाताय नमः स्वाहा। ओम तत्पुरुषाय नमः स्वाहा। ओम ईशानाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय स्वाहा। ओम वामदेवाय नमः स्वाहा। ओम अघोराय नमः स्वाहा। ओम ईशानाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय स्वाहा। ओम सद्योजाताय नमः स्वाहा। ओम वामदेवाय नमः स्वाहा। ओम अघोराय नमः स्वाहा। ओम तत्पुरुषाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय स्वाहा। राजन, आपके द्वारा संकल्प की हुई सारी आहुतियां संपन्न हुई।
सौभाग्यवती भव, यशस्वी भव। गुरुदेव, आपकी छत्र छाया में हमारे 99 अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो गए हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय, दैत्य राज महाराज बलि की जय। असुर सेनापति, आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। हाँ महाराज, 99 अश्वमेध यज्ञों के प्रभाव से देवलोक में आतंक सा छा गया है। असुर सेना के पराक्रम से देवराज इंद्र और सारे देवता इधर उधर मुंह छिपाने के लिए स्थान ढूंढने लगे हैं। देखा आपने हमारे यज्ञों का परिणाम दैत्यराज, अब त्रैलोक्य में कोई भी शक्ति आपको विजयी होने से नहीं रोक सकती। 100वां यज्ञ पूर्ण होते ही आप इंद्रपद के अधिकारी होंगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य महाराज की जय, दैत्यराज महाराज बलि की जय। परंतु हमें सावधान रहना होगा, 100वां यज्ञ पूर्ण ना हो इसके लिए देवता नाना प्रकार के विघ्न डालने के प्रयत्न करेंगे। दैत्य गुरु, देवताओं की सभी गतिविधियों पर हमारे निष्ठावान दैत्य दृष्टि रखे हुए हैं, आप निश्चिंत रहें गुरुदेव। स्मरण रहे असुरराज, जब स्वर्ग पर आपका आधिपत्य था तब इंद्र ने धर्म यज्ञ से प्राप्त शक्ति से आपका वध कर दिया था। स्मरण है गुरुदेव। और उस समय भगवान शिव की कृपा से प्राप्त संजीवनी विद्या द्वारा मैंने आपको पुनर्जीवन दिया था। आपने मुझे जीवन देकर केवल मुझ पर ही नहीं समस्त दैत्य कुल पर उपकार किया है गुरुदेव। दैत्यराज, देव गुरु बृहस्पति और कपटी इंद्र शांत नहीं बैठेंगे, किंतु ये देवराज इंद्र और दैत्यराज बलि का ही संघर्ष नहीं, बृहस्पति और शुक्राचार्य का भी संघर्ष है। विजय हमारी होगी गुरुदेव। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय, असुर राज महाराज बलि की जय। ओम भगवते विष्णवे नमः। ओम भगवते विष्णुवे देवी अदिति। ओम भगवते विष्णुवे नमः देवी अदिति। प्रभु, मैं धन्य हो गई। प्रभु, मेरी आराधना सफल हो गई, आपने दर्शन देने की कृपा की, अब मेरी कामना पूर्ण कीजिए। प्रभु, क्या कामना है तुम्हारी? आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं। दुष्ट दैत्यों ने स्वर्ग पर बार बार आक्रमण करके मेरे पुत्र इंद्र को त्रस्त और पराजित किया है। वे शुक्राचार्य की सहायता से देवताओं का सर्वनाश करने जा रहे हैं। प्रभु, उनकी रक्षा कीजिए, उनकी रक्षा कीजिए। प्रभु, हम ऐसा नहीं होने देंगे देवी अदिति। ऐसा हो रहा है भगवान, आप तो स्वयं जानते हैं। दैत्यराज बलि 100वां अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ कर रहे हैं। इंद्र और देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान शिव ने हमें आदेश दिया था कि देवताओं पर आए हुए संकट का हम निवारण करें। अब आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करके प्रभु कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे त्रिलोक पर विजय प्राप्त करने की बलि की ये अभिलाषा कभी पूर्ण न हो। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मेरे पुत्र इंद्र पर आया ये संकट जाने क्या अनहोनी कर देगा। देवी अदिति, संभवतः भगवान शिव की यही इच्छा थी कि तुम इस अमृत तीर्थ पर तपस्या करके हमारा आह्वान करो। भक्तों की कामना पूर्ति करना हमारा परम कर्तव्य है, हमने निश्चय कर लिया है कि दैत्यों के बढ़ते हुए पराक्रम को रोकने और इंद्र को इसके प्रभाव से बचाने के लिए हमें अवतार धारण करना होगा। अवतार? भगवान, आप अवतार लेंगे?
हाँ देवी अदिति, इस बार तुम हमारे अवतार की माता बनो। प्रभु श्री हरि, आप मेरे पुत्र बनकर प्रकट होंगे। मेरे पुत्र, आप मुझे माता का सम्मान देंगे। हाँ देवी, इसके अतिरिक्त देवताओं की रक्षा का और कोई मार्ग नहीं है। ये सुनकर मैं धन्य हो गई, मैं चिंता मुक्त हो गई। भगवान, मैं आपके अवतार की माता बनूंगी। ये शुभ समय कब आएगा प्रभु? अब उसमें अधिक समय नहीं है देवी। धन्य हो भक्त वत्सल, धन्य हो। देवी अदिति, कश्यप ऋषि तक हमारा ये संदेश पहुंचा दो कि उन्हें हमारे आगामी अवतार के पिता होने का श्रेय प्राप्त होगा। मैं धन्य हो गई, आपका वरदान पाकर मैं धन्य हो गई प्रभु। स्वामी के चरणों में वंदना। देवी अदिति, आप अमृत तीर से आ गईं? हाँ स्वामी, साधना सिद्ध हुई, कामना पूर्ण हो गई। स्पष्ट कहो देवी, क्या कह रहे हो तुम? हम कुछ समझ नहीं पाए। स्वामी, मैं इतने दिनों से आपके चरणों की सेवा कर रही हूं, आप अभी तक मुझे नहीं समझ पाए। निस्संदेह तुम सबसे अधिक मेरे समीप हो, किंतु देवी अदिति, परमपिता ब्रह्मदेव ने अपनी सृष्टि में एक सबसे रहस्यपूर्ण रचना की है, वो है नारी। मैं 13 पत्नियों का पति हूं, परंतु आज तक किसी का रहस्य नहीं जान पाया। मेरे मुखमंडल की ओर ध्यान से देखिए स्वामी, सब कुछ आपकी समझ में आ जाएगा। बताइए स्वामी, क्या देखा आपने? एक नई आभा। हाँ स्वामी, भगवान विष्णु ने स्वयं मुझे अपने अवतार की माता और आपको पिता होने का वरदान दिया है। हे प्रभु, हे कृपा निधार कमलापति, हमारे संन्यास जीवन की आपने साथ पूर्ण कर दी। भगवान स्वयं मेरी कोख से अवतार लेकर इंद्र तथा देवताओं का उद्धार करेंगे। हमारे जैसा भाग्यशाली और कौन होगा अदिति, और कौन होगा? कितने करुणामय है आप, कितने दयालु है आप। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। नारद का प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। कैलाश का वातावरण देवर्षि के आगमन से खेल उठा। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, सर्वगामी हैं, परमेश्वर हैं, जगत की हर नई घटना के साक्षी हैं आप। मैं आपका तुच्छ सेवक, भला मैं आपको क्या बताऊं? मुनिवर नारद, क्या इस समय किसी नई घटना के साक्षी बनकर आए हैं आप? हाँ प्रभु, मैं आश्चर्यचकित हूं एक घटना से, उसी के विषय में मेरे मन में नए नए प्रश्न उठ रहे हैं।
अपने मन में उठ रहे प्रश्नों के समाधान के लिए आए हैं मुनिवर। और कहां जाऊं प्रभु, यही तो वो पावन तीर्थ है जहां मुझे हर प्रश्न का उत्तर मिलता है, मन को परम शांति मिलती है। ये बताइए प्रभु, भगवान विष्णु ने देवी अदिति की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके उदर से जन्म लेने का वरदान क्यों दिया? आज तक जितने भी अवतार भगवान विष्णु ने धारण किए उनके लिए उन्होंने किसी को अपनी माता का पद नहीं दिया। वे पहली बार अदिति के पुत्र, इंद्र के भ्राता और देव बंधु बनकर प्रकट हो रहे हैं। क्या यही बात आपको चकित कर रही है मुनिवर? हां प्रभु, आपकी इस लीला का रहस्य मेरी समझ में नहीं आया। आप तो स्वयं परम ज्ञानी हैं मुनिवर नारद। ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रत्येक कार्य एक दूसरे की इच्छा के अनुरूप ही होता है। मैंने स्वयं देवताओं की रक्षा का दायित्व भगवान विष्णु को सौंपा है। अदिति के गर्भ से देवबंधु के रूप में अवतार लेने का भगवान विष्णु का एकमात्र उद्देश्य यही है। धन्य हो प्रभु, अब मेरे सारे प्रश्नों का समाधान हो गया। आपकी इस लीला का रहस्य तीनों लोकों में भला कौन जान सकता है? मन में उठी सारी जिज्ञासा पूर्ण हो गई। अब मैं देवी अदिति के पुत्र के रूप में भगवान के दर्शनों की प्रतीक्षा करूंगा। जय शिव शंकर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। परम पिता, आओ नारद, तीनों लोक में भ्रमण करके आया हो, कहो क्या समाचार लाए हो? परम पिता ब्रह्मदेव, कोई भी समाचार यहां आने से पूर्व आप तक पहुंच जाता है। मैं तो आपके दर्शनों की अभिलाषा लिए आया हूं। तुम्हारे यहां आने का प्रयोजन तुम्हारे मन में उठे किसी नए प्रश्न का सूचक होता है नारद? सो तो है ही परमपिता, संसार के जिज्ञासुजनों का ज्ञान बढ़ाने के लिए नित नए नए प्रश्न करना मेरा धर्म है। प्रश्न क्या है वत्स? परमपिता, भगवान विष्णु ने अदिति को मातृत्व का वरदान दिया है। वे शीघ्र ही देवराज इंद्र के अनुज बनकर अवतार लेने वाले हैं। अब प्रश्न ये है कि वो दैत्यराज बलि के इस यज्ञ को कैसे रोकेंगे? कदापि नहीं, भगवान विष्णु ऐसा कदापि नहीं करेंगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने इस यज्ञ को पूर्ण कराने में अपना सारा ज्ञान सारी शक्ति लगा दी है। यज्ञ पूर्ण होने को है, यज्ञ रोकना इस अवतार का उद्देश्य भी नहीं होगा नारद। फिर भगवान विष्णु के इस अवतार का उद्देश्य क्या है परमपिता? यज्ञ पूर्ण होते ही दैत्यराज बलि सर्वशक्तिमान होकर स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे। भगवान शिव के संकेत पर ही यह विष्णु लीला हो रही है नारद। इस रहस्य को भगवान शिव शंकर ही जानते हैं। परमपिता, आप तो इस सृष्टि के रचयिता हैं, भला ये कैसे संभव है कि आप इस रहस्य की रचना को नहीं जानते? हाँ, यदि आप बताना ना चाहें तो ना बताइए, परंतु ये ना कहिए कि आप इस रहस्य को नहीं जानते। मेरी बात को अन्यथा ना समझो नारद। भगवत शक्ति के हर रहस्य का उद्घाटन करना किसी के हित में नहीं है, बस इतना ही समझ लो।
कि अदिति के पुत्र के रूप में भगवान विष्णु प्रकट होने वाले हैं। धैर्यपूर्वक उनकी लीला की प्रतीक्षा करो और उनके दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बना लो। नारायण 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 नारायण। प्रणाम मातेश्वरी।